हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग इशिता जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छा, बेटर। बताइए। मेरा ये क्वेश्चन था कि प्री मेनोपोज में अपने आप को क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, जैसे कई बारी उसके क्या सिम्टम होते हैं। प्री मेनोपॉज के सिम्टम्स देखिए, मेरे को पहले आप ये बताइए कि आपका एज क्या है फिलहाल? 42। 42 चल रहा है, ठीक है। और आपके पीरियड्स कितने, मतलब ऐसे चल रहे कि कितने पिछले कितने मंथ गैप आया में आ था, रहे? इस मंथ नहीं आया, पहले आ गया था एक मंथ में, फिर आ गया था, इस मंथ नहीं आया, मतलब ये ओके। दिसंबर में आना और था, नहीं, ठीक है, एक और मंथ हो गया ऐसे नहीं। पीरियड्स जब आते हैं तब वो स्पॉटिंग जैसा कुछ है, या मतलब हैवी फ्लो है, या ऐसा इरेगुलर फ्लो है, थोड़ा कैसा है? नॉर्मल, थोड़ा ज्यादा होता है, हैवी फ्लो तो नहीं है, जैसे पहले कम आते थे ना, थोड़े ठीक आ रहे हैं जब आते हैं। ओके, ठीक है। तो प्री मेनोपॉज के सिम्टम्स यूजुअली ये रहते हैं कि स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जब होते हैं हमारे अंदर तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। और थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, थोड़ी सी इरिटेशन होती रहती है, लथार्जिकनेस रहेगी, आपको थकान ज्यादा महसूस होगी, सांस ज्यादा फूलना, ये सारी चीजें अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलती है। वेट बढ़ गया 62 से 68 हो गए हैं। ओहो, ज्यादा हो गया वेट तो। हाँ, ये आपके फेस पे भी दिख रहा है। ओके, क्या करूं, हाँ मैं योगा लेती हूँ, आप ही का लेती हूँ, मुझे आप ही का पसंद है। जी, हाँ जी, मैं देखती हूँ, कभी कभी आप आते हो, कभी कभी आप नहीं आते हो, ये चीज मैं आप देख रही हूँ। घर में कंडीशन ही ऐसी, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ठीक है, एक्चुअली मैं ठीक है, ज्वाइंट तो फैमिली है तो। जी, मैं समझती हूँ, ठीक है। पर कोश अच्छा, अभी ये जो प्री हाँ, ये मेनोपॉज का चाहती जो कि ज्यादा मुझे सिम्टम, प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैं देखिए, क्या कर सबसे सकती। पहले तो योगा ही सपोर्ट करेगा आपको, तो कोशिश कीजिए जो भी कंडीशंस चल रही हैं थोड़ा सा उनसे साइड में होते हुए अपने लिए थोड़ा सा 1 घंटा निकालिए। हाँ, कैसे प्राणायाम भी निकालिए? कर रही हूँ, खाने पीने का आप बता दीजिए। हाँ, खाने पीने का लाइट डाइट लेनी है, हल्की डाइट पे रहिए, बहुत ज्यादा हैवी डाइट्स पे मत जाइए। उसके बाद बहुत ज्यादा ये जो शुगर वाले फूड्स होते हैं ना, कार्ब्स वाले, शुगर वाले, क्योंकि वो फिर अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, अच्छा, फ्रूट जैसे भी नहीं खा रहे बेकरी हैं क्या? आइटम्स। चीकू है, हाँ अंगूर जी, है, ये भी नहीं, नहीं, फ्रूट्स जैसे फ्रूट्स चीकू है, खाइए, फ्रूट्स अंगूर। खाइए, फ्रूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट्स आप खाइए, सारे फ्रूट्स खाइए। फ्रूट का तो आप एक जैसे एक सैलेड बोल हम बनाते हैं, वैसे फ्रूट का बोल, फ्रूट चाट बना के खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रही हूँ जो बेकरी आइटम्स, ये वाले फूड्स होते हैं ना, बेकरी आइटम्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, या ये जो जिसमें और ज्यादा शुगर होता है, जैसे अब सर्दी में गजक, आर्टिफिशियल वो शुगर, भी नहीं खाना, गजक है। गजक खाइए। गजक में आर्टिफिशियल शुगर नहीं होता, वो गुड़ का बनता है, गुड़ नेचुरल शुगर में आता है, तो आप वो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर बहुत ज्यादा गर्मी वाली चीजें हम नहीं खाएंगे, ठीक है, मैं तो क्योंकि चिया वो खाने सीड और में ये थोड़े सीड्स ले रही हूँ थोड़े से। ठीक कम मात्रा में, ज्यादा नहीं, है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाएंगे, थोड़ी कम मात्रा में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेनोपॉज का जो ये फेज आपका चल रहा है, कोशिश कीजिए स्ट्रेस लेवल थोड़े ऐसे होते रहेंगे, अप्स एंड डाउन अप एंड डाउन, तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमें मेंटली थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है, इमोशनली लेवल पे हमें बैलेंस रहना है, बहुत ज्यादा चीजों को लेके पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर छोटी सी भी बात होगी तो वो भी इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा आप उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, परेशान होने लग जाएंगे, वो सारी चीजें फिर इरिटेट करने लगती है। तो कोशिश हमें ये करना है जो भी बात हो रही है उसको बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि जो हार्मोन फ्लक्चुएशन चल रहे हैं उस वजह से छोटी बात भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको लगेगी। तो थोड़ा सा आराम से, और वेट की रही बात तो थोड़ा सा जॉगिंग पे जाइए, अगर आप जा सकते हैं थोड़ा जॉगिंग वगैरह कीजिए, थोड़ा सा हाँ ये सारी चीजें इंक्लूड कीजिए, फ्रेश एयर में, अब जैसे गर्मी आ गई है तो फ्रेश एयर में सन के नीचे सन सैल्यूटेशंस कीजिए, सूर्य नमस्कार, थोड़ी सी गर्मी आने दीजिए, तो थोड़ा सा स्वेटिंग वगैरह और ज्यादा होगा, तो उससे जो ये वेट का इश्यू है वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। और जैसे पीरियड तो रुकते ही हैं, रेगुलर नहीं आएंगे, जब भी तो हार्मोनल इंबैलेंस होगा, ये तो स्वाभाविक है ना। हाँ जी, बिल्कुल स्वाभाविक है, इसको तो देखिए लेके चलना है हमें, कि अब जो मेनोपॉज आने वाला है उसके साथ हम तो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते, बस उसको बैलेंस में रखने के लिए योगा कर सकते हैं, लाइट फूड खा सकते हैं, मैं डॉक्टर शुगरी के तो आइटम्स गई अवॉइड हूँ। करते ठीक है हैं। हाँ मैम, जी, थैंक यू, ठीक है जी, मैं डॉक्टर ओके के ओके गई शुभ, हूँ। थैंक यू मैम, ओके, ठीक ओके ओके शिता जी, ओके, है, ओके। यस यस मंत्री जी। हेलो मैम।
एक सेकेंड भावना जी। हाँ जी, हाँ जी भावना जी बोलिए। यस मैम मुझे ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मतलब एकदम माइंड डिस्टर्ब रहता है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। ओवर थिंकिंग, रीजन जान सकती हो क्यों हो रहा है, या ऐसे ही हो रहा है बस, या कुछ स्पेसिफिक रीजन है उसके पीछे ज्यादा ओवर थिंकिंग के? ठीक की बातों की वजह से मतलब है, इतना अफेक्ट क्यों होना है? मतलब आप ये समझिए कि अगर हम बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगेंगे हर छोटी छोटी चीज से, और वो जब हम पर्सनली लेने लगते हैं, तो ओवर थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, स्ट्रेस डेवलप होता है, एंजाइटी डेवलप होती है, और उसके फिर और भी बड़े भाई बहन हैं जो कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप एड ऑन होते जाते हैं हमारे लाइफ में। तो हमें यहीं पे रुकना है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग, शायद अच्छा किसी ने ऐसा कह दिया, फिर आप उसका पूरा वर्स्ट सिनेरियो निकाल लेते हैं कि ऐसा कहा तो क्यों कहा, क्या इसके पीछे क्या रीजन। तो सबसे पहले तो उसी इंसान से वहीं पर क्लैरिफाई कीजिए कि आपने ये कहा तो ऐसा क्यों कहा। ठीक है, सबसे पहले यहीं पे उस चीज को हम क्लैरिफाई करेंगे। हम सोचने से बेटर है वहीं पे उस चीज को एक तो शट डाउन करें कि उस इंसान ने फॉर एग्जाम्पल कुछ कहा जो वो मीन भी नहीं करता, बट हमने इतना दिल पे ले लिया कि पता नहीं उसका क्या क्या सिनेरियो फिर हमने हमारे माइंड में निकाल दिया। तो सबसे पहली चीज वहीं पे कट करके क्लैरिफिकेशन कि आपने ऐसा क्यों कहा, प्लीज मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड थिंग, पर्सनली कुछ भी नहीं लेना है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। ठीक है, जो चीजें इग्नोर कर सकते हैं उनको इग्नोर करना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज हम इतना ज्यादा दिल पे लगाएं और पर्सनली लें, इग्नोर करना है। थर्ड थिंग, जब भी आपको लगता है रात में यूजुअली ओवर थिंकिंग बढ़ती है, कभी कभी जब हम रात में सोने लगते हैं, हाँ जी, तो उस समय थोड़ा सा उठ के थोड़े से मंत्र चैंटिंग स्टार्ट करनी है। जो भी मंत्र आपको लगता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, देर आर वेरियस देवी मंत्रास जो कि एक सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो थोड़ा मंत्र चैंटिंग में अपने आप को डालिए। अगर मंत्र चैंटिंग भी नहीं करना है तो सिंपल ओमकार 20 टाइम्स रात में, लॉन्ग एंड डीप ओमकार, जिसमें मकार जो एम जाता है, म जाता है, उसको लंबा स्ट्रेच करते जाना है करते जाना है। तो जब आप ओमकार करेंगे तो ओमकार के जो ध्वनि, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो आपके नर्वस सिस्टम को एकदम शांत करेंगे। तो उससे जो आपका ये ओवर थिंकिंग का इश्यू है वो कम होता जाएगा, बट टाइम लगेगा। तो ओमकार चैंटिंग आप शुरू कर दीजिए। कुछ ओवर थिंकिंग हो रहा है तो भी, ओवर थिंकिंग नहीं है तो भी, आप ये रूटीन बना लीजिए कि रात में सोने से पहले ओमकार चैंटिंग मुझे करना है, और मॉर्निंग में उठने के बाद भी मुझे ओमकार चैंटिंग करना है। चाहे आप 5 मिनट या 10 मिनट निकालिए, बट डू ओमकार चैंटिंग एवरी डे एंड देन सी द रिजल्ट। आपका ओवर थिंकिंग 100% कम होगा। नहीं तो क्रिया योग, मैं मेडिटेशन में करवाती हूँ क्रिया योग, जिसमें 10 राउंड अनुलोम विलोम के, 10 राउंड ओमकार के, और 10 राउंड गायत्री मंत्र के। क्रिया योग एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में 100% इफेक्टिव है। तो ये क्रिया योग अपने जीवन में उतार लीजिए हर रोज की, और थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखिए, अच्छी बुक्स ऑर्डर कर लीजिए। मेडिटेशन तो मैं डेली ज्वाइन कर ही रही हूँ। हाँ जी, तो उससे थोड़ा सा आपको आराम लगता है, थोड़ा फर्क लगता है? नहीं, कभी कभी मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहता है और कभी कभी मैं मेडिटेशन के टाइम भी मतलब उन्हीं सब बातों में चली जाती। वहीं पे चले जाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू कीजिए, जैसे सद्गुरु हो गए, बीके शिवानी जी हो गए। थोड़ा सा आप उनको जब सुनेंगे, तो वो जब लाइफ के रियलिटी चेक्स हमें देते हैं और हमें समझाते हैं कि किस तरह से हमें इन विपरीत परिस्थितियों में रिएक्ट करना है या एक्ट करना है, और जब भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें कैसे बिहेव करना है, तो जब आप इनको सुनने लग जाएंगे थोड़ा, तो शायद लाइफ इजी हो जाएगी। हम चीजों को इतना पर्सनली नहीं लेंगे, और कोशिश ये करनी है, बर्डन नहीं लेना इधर ज्यादा। कोई भी कुछ भी कह रहा है, लेट इट बी, बोलने दो, बोल के जाने दो। उन्होंने बोल दिया, हमने पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लिया। इधर से निकाल के इधर से भी नहीं निकालना है, इधर से बाउंस बैक करना। ठीक है, इधर से इधर भी नहीं जाना चाहिए, यहीं से बाउंस बैक करने की टेक्निक हमें सीखनी है। वो धीरे धीरे कब आएगी? जब हम चीजों को पर्सनली लेना ही बंद कर देंगे। जो बोला बोलते रहे, जिसको मर्जी जो सोचना है सोचते रहे। आई नो व्हाट आई एम, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो किया है वो सही किया है। ये चीजें जब आप खुद के लिए मैनिफेस्ट करने लगेंगे, और अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करने लगी अपने लिए कि नो आई डोंट हैव ओवर थिंकिंग इश्यू, फर्स्ट थिंग ये कीजिए, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं है, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं है, वो अपने आप कम होती जाएगी। तो अपने लिए ये बोलना है, रादर देन स्पीकिंग कि ओ मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, उससे और मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं, यूनिवर्स वही चीज हमें दे रहा है।
ठीक है, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग नहीं है मुझे, मुझे ऐसे कोई इश्यूज नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन मेंटली इमोशनली फिजिकली। तो धीरे धीरे वो चीज होने लग जाएगी, ठीक है भावना जी। और अच्छी बुक्स कुछ ऑर्डर कर लीजिए, देर आर बुक्स। अच्छा मैं आपको एक बुक सजेस्ट करती हूँ, कोशिश कीजिए ये परमहंस योगानंदा जी की योगी कथामृत की किताब है, जिसमें इनका पूरा पूरा बायोग्राफी है। बहुत ही अच्छी किताब है, आप जब ये पढ़ेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर से जो ये एंजाइटी और स्ट्रेस है वो अपने आप रिलीज होता जाएगा। तो इस बुक को ऑर्डर कीजिए और इस बुक को पढ़ना शुरू कीजिए, ओके? बहुत अच्छी बुक है, थैंक यू। एंड डोंट वरी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए आज से पॉजिटिव चीज, ओके? थैंक यू ओके मैम। भावना जी। यस मनप्रीत जी, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं आपसे अपना फीडबैक पूछूंगी मैम, फिर हाँ जी, आपसे आइए। हाँ बताऊंगी। हाँ जी मैम। जी, फीडबैक आपको लेके, जैसे मुझे याद है कि हमारा बहुत पहले बात हुआ था, आई थिंक रिगार्डिंग योर हेयर एंड एवरीथिंग और थोड़ा स्ट्रेस, बट वो चीज पीरियड्स मुझे अब को आपके फेस पे, हाँ वो चीज मुझे अब आपके फेस पे इतना नहीं दिख रही है जितना उस टाइम पे दिख रही थी। वो स्ट्रेस ऑब्वियस दिखता था उस टाइम पे आपके फेस पे, बट नाउ आई फील दैट यू इंजॉय डूइंग द आसनास, आपको मजा आता है, आप आंखें बंद करके सारे आसन करते हो, विच इज आई थिंक मोस्ट अमेजिंग थिंग आई सी इन माई स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स, की बहुत कम है। मतलब आई थिंक मैं इतने बैचेस लेती हूँ, कम से कम 100 से 150 लोगों को रोज मैं देखती हूँ, जिसमें से सिर्फ 4 से 5 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आईज को बंद करके आसन करते हैं, उनमें से आप एक हैं। एंड आई थैंक फील यू सो रियली मच गुड मैम। कि यू आर एब्सोल्यूटली कॉन्सेंट्रेटेड इन ईच एंड एवरी आसन, आप दिल से करते हैं और वो सेटिस्फेक्शन आपके फेस पे मुझे दिखता है जब आप आसन कर रहे होते हैं। आई आई यस मैम, फील रियली रियली ब्यूटिफुल, रियली प्राउड एट दैट टाइम कि बहुत बहुत डिफरेंस आया है आप में, जब मैं स्टार्टिंग में आपको देखा करती थी और जब अब मैं आपको देखती हूँ, आई फील सेटिस्फाइड कि ओके। तो एक्चुअली ये चीज मैंने मैम, ऑब्जर्व, हाँ मैम, मुझे एक्चुअली 2 मंथ्स पहले में ना, योगा करने से पहले मुझे नी के नीचे पेन हुआ था मैम। मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ये अच्छा नी है ना मैम, इसके नीचे। तो उसके बाद मैंने योगा ओके स्टार्ट की और मुझे थोड़ा पीरियड्स का भी था प्रॉब्लम, सब सॉल्व हो गया। लेकिन अचानक से भी 3 दिन पहले वही पेन स्टार्ट हो गया मैम। तो मैंने अभी भी आज मैंने ब्लड टेस्ट कराया कि शायद मेरा कैल्शियम या ये सब कम ना हो गया हो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए। तो मैम मेरा, मैं इतना मतलब मिस कर रही हूँ ना योगा। मैंने परसों भी नी के नीचे, मैंने क्वेश्चन रखा, नी के नीचे है, मतलब नी पे भी नहीं है। तो मैं समझ रही हस्बैंड हूँ को भी मैं, कह रही थी, आई एम फीलिंग नॉट गुड आफ्टर, मतलब योगा क्लासेस के बाद मैम। जो मुझे मोटिवेशन मिलता है ना आपसे कि कीप गोइंग, ऐसे करके आप जो हमें बोलते हो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई देख रहा है, चाहे हम ऑनलाइन है। मुझे लगा ही नहीं ऑनलाइन है, मतलब मैं आपकी क्लास ना, मैं नहीं होते ना जब आप, आज भामनी मैम नहीं आई है, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं सच दिल से कह रही हूँ आपको ये, और मैं ब्लेस्ड हूँ आप साथ के साथ। इतने अच्छे से आप, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें मोटिवेशन के साथ, जैसे मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पहले भी पूछे थे कि मैम जो हमारी 3 जो नर्व्स हैं उसका क्या है, सूक्ष्म नाड़ी वगैरह, सुषुम्ना उससे इरा रिलेटेड। पिंगला सुषुम्ना, हाँ जी हाँ, हाँ जी यस तो मैम मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। अगर आपको कभी टाइम लगे तो प्लीज उसके ऊपर भी कुछ, उस टॉपिक पे बोलना, क्योंकि मैं ना साथ के साथ वो मेडिटेशन पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि काफी लोग उस डीप चीज के बारे में बताते नहीं है मैम। तो मैंने वो यूजुअली लेना हम शुरू इसमें किया डीप था। इसलिए बताते हैं क्योंकि क्या होता है, लोग उसको गलत वे में ले सकते हैं, हमें ये डर रहता है कि ठीक से फॉलो नहीं करेंगे अगर, या उसका ठीक से मतलब नहीं समझे तो प्रॉब्लमेटिक होती है ये सारी चीजें फिर, तो इसलिए जी हम इतना डीप इधर नहीं जाते। हाँ, पर जिनको जानना है उनके लिए डेफिनेटली, जैसे अभी सर्वाइकल मैनेजमेंट हमने प्लान किया था पिछले संडे, तो वी कैन प्लान सच थिंग्स जैसे इड़ा पिंगला सुषुम्ना का इन जी डिटेल चीजें। मैं टीम से बात करके अगले संडे हम ये प्लान कर सकते हैं कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में मैं आपको इन डेप्थ पूरा नॉलेज दूँ। जी मैम। अब मैम बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल, कुछ हम कर बता सकते सकते हैं आप? मैं डॉक्टर के पास जाना हैं। नहीं ये चाहता, मुझे जो पता है। हाँ ठीक, नी नी के नीचे ये जो पेन आया है, आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है जो हमने अभी हिप मोबिलिटी का एक्सरसाइज किया था ना, जिसमें हम अश्व संचालन बेंड करते फिर वापस, वो आपने किया था उस टाइम पे ज्वाइन किया था? जी, और मैम हिप से स्टार्ट हो रहा है वो पेन, जब मैं सुबह मॉर्निंग में ना हिप में ऐसे क्रैम्प पड़ता है, हिप से, सिर्फ हिप पे, पूरी लेग पे नहीं, और नी के नीचे वो पॉइंट पे। वो मे भी हो सकता है कि जो वो मूवमेंट्स हमने किए है ना उस वजह से वो एग्रीवेट हुआ है या थोड़ा सा बड़ा है,
जब भी हमें अगर नी में कुछ इश्यू रहते हैं तो हमें अश्व संचालन के सारे मूवमेंट्स को अवॉइड ही करना होता है क्योंकि वो इन पेन्स को एग्रेवेट कर देते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नी में पहले का भी मेडिकल हिस्ट्री अगर रहा है और अभी पेन नहीं है तो भी हम अश्व संचालन में अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच करने पर नीज में दर्द आ सकता है। हिप में दर्द में भी शायद मसल स्पैज्म की वजह से आया होगा, ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। बहुत ज्यादा पिंचिंग पेन तो नहीं है ना हिप रीजन के यहाँ पे? मैम, जैसे मैं वॉक करती हूँ ना, जैसे मॉर्निंग में उठते ही, तो बेड से, तब तो मुझे प्रॉब्लम होती है. अब मैं जैसे, मतलब हूँ मैं वैसे ही एक्टिव, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज होता है कि मुझे पेन है. तो वो क्या क्या करूँ? मैंने अपना वेट भी चेक किया है, मेरा वेट स्टिल है मैम, जितना पहले था, ना बड़ा है ना कम हुआ है. तो मेरा वो, ठीक मैं है वो उसे करती रहती हूँ मॉनिटर. ठीक है, तो ओके ठीक हाँ, तो मैम मुझे कुछ प्लीज सजेस्ट कीजिए. है। अगर ये हिप और नी में बहुत ज्यादा दर्द आ रहा है ना, तो आप एक सेकंड, व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल, जो भद्रासन हम करते हैं ना, उस भद्रासन को मॉडिफाई करना है। एक कुशन हिप के बटरफ्लाई, नीचे लगाना है, हाँ ठीक है, और दो कुशंस को हमने नीज के नीचे लगाना है, ठीक है। इस तरह से ये नीज के नीचे लगा लिया, अब ये हमें मिल गया सपोर्ट, दिख रहा है आपको, हाँ जी मैम. ठीक है। क्योंकि अभी आप जब नॉर्मल भद्रासन लगा के बैठेंगे तो वो हिप का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है अभी फिलहाल के लिए। तो जो हिप का पेन है और जो हिप के पेन के रिलीज के लिए आपने बस ऐसे ये सपोर्ट मिल गया, तो अब आप इसमें लंबे टाइम तक बैठ सकते, ठीक है। तो ऐसे आपको बैठ जाना है, मेक श्योर अच्छे से ग्रिप बनाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, और इसमें कम से कम 3-4 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट्स घड़ी में देखते हुए, या 10 मिनट्स भी बैठते हैं तो वेल इनफ। जितना देर बैठे रहेंगे वो हिप का जो भी मसल स्ट्रेच हुआ है या वेन कंप्रेस हुई है वो रिलीज होगी, और क्योंकि सपोर्ट है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव इफेक्ट ही आपको मिलेगा। तो अभी थोड़े दिन ऐसे बैठना शुरू कीजिए, ओके। मेक श्योर खाना खाते ही नहीं बैठ रहे, मॉर्निंग में बैठ रहे हैं और इवनिंग में बैठ रहे हैं, 10-10 मिनट्स ऐसे ही बैठे रहना है, ओके हम एक्चुअली मेडिटेशन में हम चौकड़ी मार के लगाते हैं ना, जैसे आलती पालती करके, या वज्रासन हाँ में, सॉरी, लेग जी ऊपर करके. तो अब मैं मेडिटेशन, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो लेग मुझे सीधी करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता. मैं उस समय तो ठीक है, जब बाद में जब उठती हूँ तब प्रॉब्लम आती है. आप ऐसे बैठ सकते हैं, प्रॉप्स के साथ बैठिए। प्रॉप्स अगर आपको बैठने, ऐसे ही बैठने का शौक है, ठीक है, तो जो आलती पालती बैठ, आलती पालती भी कर रखा है ना, हम ये लगा लेंगे बस। तो उससे आपको फाइन. कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेच नहीं आएगा, कोई मसल पुल जैसा, आपका ध्यान यहाँ नहीं रहते हुए यहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रॉप्स यूज कर लेंगे हम, दैट्स इट। और प्रॉप्स यूज करने के बाद आप पहले ऑब्जर्व करेंगे एक दिन कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो दूसरे दिन हम प्रॉप्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर प्रॉब्लम होता है तो देन डू लेट मी नो, तो ओके। मैम, मैं योगा क्लासेस कल से कंटिन्यू कर सकती हूँ? मुझे यही था कि डर कि मुझे ज्यादा पेन बिल्कुल ना हो बिल्कुल जाए. नहीं कर सकते हैं, बट आप मेक श्योर करेंगे सन सैल्यूटेशंस बहुत फास्ट नहीं जाएंगे हम, अश्व संचालन अवॉइड करेंगे, ऐसे सारे आसन जो कि नी को स्ट्रेंथन करते हैं, बट उसी टाइम पे अगर नी में तकलीफ है तो वो जो नी स्ट्रेंथनिंग वाले आसन है वो नहीं करने। जैसे वीरभद्रासन हो गए, जिन पे भी नी पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है उसमें हम इतना प्रेशर नहीं देते हुए हल्का ही नी को बेंड करते हुए पोज को मेंटेन करें, ओके। और मेक श्योर नी कैप्स को हम लॉक रखेंगे, नी कैप्स को लूज नहीं छोड़ेंगे, लॉक इन द सेंस जब नी को पुल अप कर लेते हैं हम, लॉक कर लेते, तो लॉकिंग सिस्टम सीखना है। अब चाहे त्रिकोणासन कर रहे हैं, चाहे जो जिसमें नी हमारा बिल्कुल सीधा है उसमें हम लॉक करके रखेंगे नी को, और मैं आपको गाइड करती रहूंगी, डोंट वरी, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मैम. थैंक यू सो ओके मच मैम. हाँ ओके जी, ओके मनप्रीत, थैंक यू. यस, गुड मॉर्निंग रेश जी, हाय मैम, गुड मॉर्निंग हाउ आर मैम. यू। मेरे फेस पे देखिए, अभी बहुत कम हो गया पिगमेंटेशन, आपने बहुत जो मुझे बहुत बताया था बहुत ना. फर्क है, आई कैन यस, सी अभी तो द ये ना शाइन ऑन थोड़ा योर मुझे चोट फोरहेड। लगी हुई, नहीं, ये तो मुझे चोट लगी हुई है. अच्छा, ओके ऐसे मैं गिरी थी तो थोड़ा बहुत पूरे फेस पे चोट आई थी, बाकी बहुत क्लीन हो गया अभी मेरा फेस. जो आपने बताया था ना, वो मैं कर रही हूँ. बस बस वो करते रहिए, क्योंकि वो जो प्राणिक क्रिया है वो प्राणिक फ्लो को हमारे बॉडी में इतना ज्यादा बढ़ा देती है, फ्रेश फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न पूरा अच्छा हो जाएगा, और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा अच्छे से काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल जब बॉडी में बढ़े रहते हैं तो फेस पे ऑटोमेटिकली ग्लो आता जाएगा, मेरा भी मैम क्या ओके। हो रहा है, फॉरवर्ड बेंडिंग करती हूँ ना, तब राइट साइड की ईयर पे थोड़ा एयर का प्रेशर फील होता है, वो भी उससे चला जाएगा मैम?
एयर का प्रेशर ज्यादा, बहुत ज्यादा फील हो रहा है नहीं आपको? नहीं नहीं मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं पादहस्तासना कर रही हूँ ना, तो उसमें अगर मैं लंबे समय तक रहूंगी वो सेम टाइम पे अगर मैं ब्रीदिंग को होल्ड करती हूँ ना, तब ऐसे लगता है कि कान में कुछ खुलने की कोशिश हो रही है, मतलब ऐसे लगता है कि कान में कुछ क्लोजिंग था और अभी एयर का प्रेशर बढ़ रहा है, बस एक ही कान में होता है, ईएनटी का पेन नहीं प्रॉब्लम तो होता है, नहीं? नहीं पेन नहीं होता है, बट सेम टाइम पे सपोज आप मेरे सामने कुछ बोल रहे हो ना, तो ऐसे लग रहा है कि सीधा मेरे कान में से एको आपके पास जा रहा है, या तो फिर कान में से स्पीकर फट रहा है, ऐसा फील होता है फॉर 1 और 2 सेकेंड। ठीक है, क्या करना है, पादहस्तासन में ज्यादा लंबे टाइम तक अगर हम रुकने का प्लान कर रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग को तो कोशिश करेंगे रोकेंगे नहीं, कुंभक नहीं लगाएंगे, ठीक है, नो कुंभक, कि ब्रीदिंग अपना चलता रहेगा नॉन स्टॉप, ठीक है, और छोटी छोटी ब्रीद नहीं लेनी है, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद अपने हेड को न्यूट्रल रखना है, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम कोशिश करेंगे टोस को टच करते हुए, स्पाइन को एक्सटेंड करते हुए सीधा ही देखेंगे, एकदम चिपकाएंगे नहीं नीज के पास से अपने सर को, अभी थोड़े दिन जब तक ये कान में प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है, और फिर भी अगर प्रेशर फील होता है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज का मुझे इतना अभी आइडिया है नहीं कि ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि जब भी बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो ऐसा होता है कि हमारे कान पे प्रेशर, और वो सांस रोकने की वजह से ही हो रहा है जितना मैंने पढ़ा है, सांस हाँ तो रोकने की मैं वजह क्या से करती हूँ, कभी कभी जैसे वो होता है। फील होता है ना, मैं तो अपने आप ज्यादा देर तक वो होल्ड करने की कोशिश करती हूँ, शायद इसकी वजह से ही हो रहा होगा। नहीं, हाँ मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, तो जब भी आपको कभी ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवीनेस हो रहा है और बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि फटने को ही हो रहा है, आप प्लीज होल्ड मत कीजिए, आप फिर से आइए वापस, और झटके से नहीं जाना है, झटके से नहीं आना है, वेरी वेरी स्लो मूवमेंट्स वाइल डूइंग ईच एंड एवरी आसन, ओके, और बस मेक श्योर करना है हमने सांस किसी भी आसन में नहीं रोकनी है जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता, सांस चलता रहना चाहिए हमारा कंटिन्यूस, ओके। मैम इवनिंग में आप प्राणायाम वगैरह कराते हो ना डेली, तो उस डिनर के कितने टाइम के बाद हम ज्वाइन कर सकते हैं, 1 आवर के बाद कर सकते हैं ना? कर सकते हैं 1 आवर के बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतने हैवी प्राणायाम्स होते नहीं है, वो सिर्फ सूदिंग प्राणायाम्स होते हैं हमको, हमारी अच्छी नींद के लिए और नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम, थैंक यू, बाय ओके ओके रेहन जी, मैम, हैव अ ओके गुड डे। यस, ओके, बाय बाय। यस पूजा जी, गुड हाय, गुड मॉर्निंग, पूजा हियर। मॉर्निंग, मैंने योगा ज्वाइन किए 2 मंथ्स हो गए, बट ये आपका इंस्टीट्यूट 1 मंथ हो गया है मुझे ज्वाइन करके। माय मेजर ओके, थिंग वाज एक्चुअली मुझे वेट गेन करना, नॉट अच्छा गेन करना है गेन, आपको, हाँ नॉट टू मच, लाइक 2-3 के, 3-4, max to max 5 kg तक। सो ओके, ट्राई तो कर रही हूँ, 1-1 kg हो रहा है इंक्रीज, मीन्स जहाँ पे पहले थी वहां पे भी 1 kg हुआ था, अभी भी है, आई आई एम फाइंडिंग द डिफरेंस, 1 kg इम्प्रूवमेंट ओके हुआ ओके है। देन ऑल्सो आई हैव आस्क नेहा, मैं नेहा का बैच अटेंड करती हूँ मॉर्निंग ओके का, तो शी हैज टोल्ड मी मोस्टली थाई वाला पार्ट, हिप्स एंड थाइज, या शी हैज टोल्ड मी आई एम डूइंग दैट। एंड ओके सेकेंड इज माई पीरियड्स इशू, आई हैव वेरी स्कैंटी पीरियड, ओके ओके यानी अभी 20 डेज में ही आ रहे हैं, जैसे मैंने 2 मंथ्स हो गया योगा किया है, तो मुझे हाँ जी, 20 डेज में ही पीरियड्स आ रहे हैं, एंड वेरी स्कैंटी, ओनली फॉर 1 डे, मीन्स ये इश्यू ऑलमोस्ट हो गया मुझे, 2 साल से चालू है, पर जब भी स्टार्ट हुआ तभी 3 डेज से 2 डेज पे आया, 2 डेज से अभी, एक्चुअली यस्टरडे ओनली आई फिनिश्ड विद दैट, ओनली 1 डे, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी हैवी फ्लो, तो आई एम वेरी वरीड कि क्या करूँ। ओके, हैव यू कंसल्टेड अ डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट रिगार्डिंग दिस? प्लीज नो डू दैट वंस, बिकॉज वी कैन नॉट रेकमेंड एनीथिंग बिफोर द डॉक्टर टेल्स यू समथिंग, सो प्लीज जस्ट विजिट अ डॉक्टर वंस एंड लेट उनको एक बार आप स्कैन करने दो, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन उसके बाद हम आपको गाइड कर सकते हैं, तो एक बार डॉक्टर कंसल्टेशन हमारे पास आ जाएगा तो फिर देन वी कैन गाइड बेटर, ओके। ओके तो ये ओके पीरियड्स के लिए, एंड सेकेंड थिंग अगर वेट गेन के लिए, तो मेक श्योर हम कैलोरी सरप्लस पे जा रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट हमारा नहीं होना चाहिए, कैलोरीज को हमने कोशिश करना है एक दिन का 2400 से 2500 कैलोरीज हमने इंटेक करना है, तो वेट इंस्टेंट बढ़ेगा, जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा, और अगर वेट मैनेज करना होता है तो हमको 1500 कैलोरीज दिन का खाना होता है, वेट कम करना है तो 1000 कैलोरीज पर रहते हैं, पर वेट गेन करना है तो हमने 2500 या फिर
2400 या 2500 कैलोरीज पर डे हमें खाना ही है, चाहे जूस, चाहे स्मूदीज, चाहे फिर मतलब हर चीज में कैलोरी काउंट होगा, ऑयल में, बटर में, जूस में, स्नैक्स में, तो हर चीज को काउंट करते हुए कि मेरा ये सारा पोर्शन 2400 कैलोरीज बना रहा है या नहीं बना रहा है, और उस कैलोरीज, क्योंकि वेट गेन या वेट लॉस दोनों की ही बात करें तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डाइट का ही काम होता है, सब कुछ डाइट का ही गेम होता है, एंड देन योगा एज योगा वो चेरी ऑन द टॉप हो जाता है, क्योंकि वर्कआउट जरूरी है, क्योंकि वर्कआउट नहीं करेंगे तो भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा तो जो सिस्टम्स अंदर से जो लिवर का काम है, पैनक्रियास का काम है, वो ठीक नहीं करेंगे, और ये सारी चीजें के लिए सिस्टम ठीक काम करना जरूरी है, तो इसलिए हम योगा करते हैं एंड देन डाइट फॉलो करते हैं, ताकि हमारा सिस्टम भी अच्छे से काम कर रहा है, और जो भी हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, अच्छे से शरीर को लग रहा है, उसका ग्लूकोज प्रॉपरली बन रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो कैलोरी सरप्लस पे रहिए, कैलोरीज को काउंट करके रखिए, और मेक श्योर बनाना शेक्स एंड ऑल दी स्मूदीज, बनाना स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर विद थिक क्रीम, एंड देन यू आर एडिंग सम आइस क्यूब्स आल्सो, यू आर एडिंग सम पीनट बटर, जो ऑर्गेनिक पीनट बटर आता है, तो इससे आपको इंस्टेंट फटाफट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जो आप वेट गेन का हो रहा है कि 5-6 किलो चाहिए, वो आपको आप मान के चलिए 3 to 4 weeks में आप अचीव कर लेंगे, अगर कैलोरी सरप्लस पे रहते। ओके ओके ठीक ओके है, इतना नहीं हो रहा है बट ठीक है, देन ऑल्सो आई विल ट्राई कि कितना हो ट्राई सकता। ट्राई कोशिश कीजिए, शेक आप दिन में ले रहे हैं, स्मूदी हर रोज, हाँ चाहे सुबह चाहे कभी भी आपको टाइम मिल रहा है, जब पेट भूखा है तब आप हाँ स्मूदी लीजिए, स्मूदी में थोड़े से कार्ब्स ऐड करने, जैसे कैश्यूज हो गए, जैसे आलमंड्स हो ओके गए, ठीक है, 4 कैश्यूज, 4 आलमंड्स, 2 बनानास, 2 to 3 स्ट्रॉबेरीज, अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क, सम आइस, एंड देन हैव इट डेली, रोज पीजिए, ओके आप इंस्टेंट गेन करेंगे, आई कैन अश्योर यू 100%। ओके ठीक है, आई विल ट्राई। यस 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 थैंक यू। डेफिनेटली। और वो उसका मैं ओके, जस्ट आई विल कंसल्ट एक बार आप गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड देन लेट मी नो, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी उस चीज के बारे ओके ओके ठीक है, यस में। एंड डू थैंक यू। स्क्वाट्स, स्क्वाट्स करते रहिए, जैसे नेहा जी ने आपको थाई पार्ट का बताया है, तो जैसे हम विमेन में यस ये पार्ट हेल्दी होता है तो वी ऑटोमेटिकली लुक हेल्दी। ओके, तो आपके हिप्स हाँ पे काम कीजिए, हिप की टोनिंग पे काम कीजिए, थाइस के लिए स्क्वाट्स लगाइए, लंजेस लगाइए, सुमो स्क्वाट्स लगाइए, तो इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, मसल डेवलप हो जाएगा। ओके ओके थैंक यू। ओके ओके टीचर, ओके टेक केयर। यस यस प्रिया जी, यस लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई विल बी लीविंग, तो जल्दी से पूछ लीजिए। यस मैम, आई डोंट नो हिंदी, आई विल टॉक इन इंग्लिश। यस मैम, आई हैव अ बैक पेन व्हाइल डूइंग द ओके सूर्य नमस्कारम। आई कांट बेंड बट अदर आसनास आई कैन डू इट। फॉर ओनली आई कांट डू द बैक बेंडिंग एक्सरसाइज। इट्स ओके विद दैट, वी कैन स्ट्रेच लिटिल बट हाउ कम आई एम कंफर्टेबल विद दैट? इज इट ओके? आई इट्स ओके, कांट। यू दैट हैज टू टर्न, यस मैम। नो नो, यू डोंट हैव टू बेंड, ओके, फॉर दैट हैज टू टर्न, वी विल मेक श्योर दैट आर थोरैसिक ओपन, सी द पीपल हु बेंड लाइक दैट, दे आर डूइंग रॉन्ग, आई ऑलवेज से दिस, ओके द पीपल हु बेंड फ्रॉम देयर लंबर, द लोअर बैक, दे आर डूइंग रॉन्ग, बिकॉज़ इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द लंबर, वी हैव टू मेक श्योर वी आर बेंडिंग फ्रॉम द थोरैसिक पार्ट, फ्रॉम द मिडिल बैक ओके पार्ट, so for that our chest opening is needed, and how the chest opening will happen, we are doing bhujangasana, okay, we are doing dhanurasana, so with all these asanas our chest opening will happen, and then we can do that bending in hastottan, so it's okay if you are not able to do hastottan that back, okay, it's okay, there's no problem, make sure you are focusing on pushing the chest out and then stretching up. Push ओके your मैम, chest out. वन मोर। You don't have to use your lumbar. Not at all. ओके ओके मैम, And no वन मोर forward क्वेश्चन bending मैम। poses. ओके Let me मैम, complete. फॉरवर्ड बेंडिंग इज, फॉरवर्ड No, बेंडिंग no. इज अ कंफर्टेबल फॉर मी। No, no. It is comfortable, but whenever you are having back pain issues, we usually avoid forward bending poses because it may aggravate the pain. So at the time of your back pain, you just avoid at that time. But when there is no back pain, you can go with all back bending poses as well and forward bending poses as well. Okay? ओके मैम, Yes. एंड एंड आई कैन डू दिस एक्सरसाइज बट व्हाइल माय राइट हैंड इज नॉट स्ट्रेचिंग अप टू दैट लेवल, व्हाट टू डू फॉर दैट? व्हाइल डूइंग दिस माय राइट हैंड आई कैन टच दिस, इफ डू लाइक दिस आई कैन टच।
समाप्त हुआ सेकंड टच, व्हाट टू डू विद दिस राइट स्टिचिंग, ओके, व्हाट सो कैन आई डू? बिकॉज ऑफ लेस लेस शोल्डर मोबिलिटी एंड लेस शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, सो टू इंक्रीज ओके, द फ्लेक्सिबिलिटी व्हाट यू कपड़े विल हैं डू क्या? इज यू विल मेक श्योर यू आर कैरिंग अ बेल्ट, ओके, एंड देन ओके, फॉर सम डेज यू हैव टू यूज द बेल्ट ओनली, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल ग्रैब द बेल्ट, ओके, एंड देन ओके स्लोली ओके स्लोली योर मोबिलिटी विल इम्प्रूव, यू विल होल्ड द बेल्ट मोर क्लोजर मोर क्लोजर मोर क्लोजर, एंड देन आफ्टर फ्यू डेज यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू ग्रैब योर हैंड्स, ओके, एंड फॉर बेटर ओके शोल्डर ओके मोबिलिटी डू दीज एक्सरसाइजेस डेली, जी सही लग रही है एवरी ना डे. साड़ी? तो जस्ट यार अ सेकेंड, तैयार समवन हो इज गई, लॉगिंग ऑन. सही लग रही हो? ओके, सो फॉर शोल्डर मोबिलिटी दीज एक्सरसाइजेस एंड देन दीज एक्सरसाइजेस. So with ओके these exercises, your shoulder mobility will improve, the shoulders will become more flexible, and automatically you will be able to grab your hand. But it will take few days, ओके okay? So keep practicing ओके these movements. And then whenever we ओके are मैम, doing Gaumukhasana, just use belt. ओके मैम, ओके. Okay? फॉर बटरफ्लाई ऑल्सो स्टिल आई कांट स्ट्रेच मोर, आई कांट टच द फ्लोर, माय नीज आर नॉट टचिंग, सो फॉर दैट व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? For butterfly pose, make sure while you are when you are free, you are again using the props. You are using the cushion under your buttocks, and then you are using cushions under the knees as well, like this. Okay, and then learn ओके to ओके sit like this for 5 to 10 minutes every day. ओके Automatically, your this region will become free, and then after 10 minutes of sitting like this. You remove the props and see, you will see the major difference. Automatically, your knees will touch the ground because this region will become free when we will hold the pose for longer. And how we can hold ओके the pose for longer? With the help of props, so it will not affect the other regions. Okay? It is creating a good effect here. And try to sit like this every day, 5 to 10 minutes every day, but ओके with the ओके props. Okay? And then ओके automatically you will see the this region is becoming flexible day by day. ओके Okay? ओके, थैंक यू, थैंक Okay, यू मैम, थैंक यू Priyaji. सो Take मच, care, everyone. Good day. Take care. थैंक यू.